कसराहवत में रबी सीजन में किसानों को रासायनिक खाद खासकर यूरिया डीएपी का क्षेत्र की उर्वरक की आपूर्ति और रहानी को लेकर रविवार को एसडीएम अग्रिम कुमार ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी बीएस सेंगर के साथ नगर में स्थित खाद की कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद विक्रेताओं को पीओएस मशीन से ही खाद बिक्री करने के निर्देश दिए। एसडीएम और कृषि अमला संजय एजेंसी बालाजी कृषि सेवा केंद्र अन्नपूर्णा स्टोर सप्लायर रोहित एंड संस और राज्य सहकारी संघ के गोदामों पर पहुंचे और संघ निरीक्षण किया तथा दुकानों के मालिक से खाद की उपलब्धता विस्तार से जानकारी ली। एसडीएम अग्रिम कुमार ने कहा कि किसानों की जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन प्रयासरत है और दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि दुकानों पर खाद की बिक्री सहित पूरा विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जिससे यह पता चल सके कि कितने बीघे खाद का वितरण हुआ है। निरीक्षण दल में कृषि विकास अधिकारी सुभाष मेहता, अनिल सोनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सर, माननीय एसडीएम साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारे एग्रीकल्चर की पूरी टीम सभी खाद उर्वरक जो निजी हैं कसरावत में और जिला विपणन का जो केंद्र है, उन सभी के जो है रबी के सीजन में चूंकि किसानों को खाद की आवश्यकता है, डीएपी और यूरिया की किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी का भौतिक सत्यापन किया गया है। सभी लोगों के जो लाइसेंसधारी हैं उन लाइसेंसधारियों का पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया है। पॉस मशीन द्वारा जो खाद वितरण किया जाता है उस पॉस मशीन की स्लिप निकाल के और गोडाउन में जो उपलब्ध स्टॉक है उसका मिलान किया गया है और मिलान करके जो कमियां पाई गई हैं उनको माननीय एसडीएम साहब ने निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में पॉस मशीन और गोडाउन में जो खाद है उसका एक ही स्टॉक होना चाहिए और किसानों को दें तो पक्के बिल दें। किसी भी हालत में किसानों के हस्ताक्षर कराने के ही बिल किसानों को दिया जाए। इस संबंध में जो है जितने निजी विक्रेता हैं उनको सभी को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं और किसी भी हालत में अगर किसी किसान को अधिक कीमत पर कोई भी डीलर बेचता है तो उसकी तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पे हम और माननीय एसडीएम साहब और हमारी पूरी टीम सभी निजी उपभोक्ता और सभी सरकारी संस्थाएं इन्हें सभी में सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत निगरानी रखे हुए हैं कि किसान को किसी भी हालत में जो है ना समय पर खाद उपलब्ध हो। हाँ, कचरा में जो हमारे निजी उपभोक्ता हैं वो सभी सभी विक्रेताओं के हम लोगों ने चेकिंग किया है। माननीय एसडीएम साहब भी साथ में रहे हैं और एसडीएम साहब द्वारा भी जो है दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी सरलता और सुगमता से किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, किसी प्रकार की किसानों को परेशानी नहीं हो और सभी किसानों के साइन बिल उपलब्ध कराने के बाद ही खाद। कसरावत तहसील से अब्राहम पठान की यह रिपोर्ट।